गाइस वक्ट में चैनल टैरोट ये दिस इज मनीषा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग आपके पसंद के हिसाब से। आज जो मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी जिसमें मैं टैरो भी देखूँगी और चार्म्स डाइज और रून से भी चेक करेंगे, कार्ड्स से भी चेक करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग से भी हम चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर और जो भी चैनल मैसेज आज की डेट में आपके पर्सन के लिए होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कार्ड्स भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स निकाल के मैं पहले ही रख लूंगी, रिवील मैं बाद में करूंगी, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग के लिए भी मैं तीन कार्ड यहाँ पे निकाल के रख लेती हूँ जिसको मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद आपको बताऊंगी। और आपके लिए मैं डाइज और रूम्स भी निकाल लेती हूँ। जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, हम स्टार्टिंग में ही आज निकाल लेते हैं, देखेंगे कि क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, ठीक है। ये सारे मैसेजेस मैंने आपके लिए निकाल के रख लिए हैं जिसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। और अभी मैं आपके लिए कैंडल लाइट करने वाली हूँ ताकि सबसे पहले आपको कैंडल से ही मैसेज दे दूँ। आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है, कैंडल की फ्लेम तक देखते रहें, आपको अपने भी मैसेज मिलेंगे इसमें, ठीक है। आप ये भी समझिए कि पर्सनल मैसेज भी आपको इस वीडियो पे मिल सकते हैं। कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देते रहें, शेप्स की तरफ ध्यान देते रहें, आपको भी कुछ अलग सी चीज नजर आ सकती है। आपको अभी अपने पर्सन का नाम लेना है काफी कोल्ड बिहेवियर नजर आ रहा है मुझे आपके पार्टनर का इस वक्त। आप बिल्कुल भी उनके एक्शन से आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि आखिर इस पर्सन के दिल में चल क्या रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। एंजल की प्रेजेंस आपके साथ है ऐसा भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि जो भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही आ रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग आप दोनों के साथ है। हार्ट भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई छोटा बच्चा मुझे फुटबॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके आसपास है या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन है, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है ये पर्सन, बच्चा जो छोटा मुझे एनर्जी नजर आ रही है। यस, देखिए अभी तो आपको ये कॉल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन बात करने का इनका मन है आपसे और ऐसा दिखा रहे हैं कि बिल्कुल भी जैसे कि आपके ऊपर ध्यान ना हो, लेकिन इनका अंदर से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही आपसे बात करना चाहते हैं। इनको आपके पास बहुत अच्छा लगता है बट थोड़ी सी रूठी हुई एनर्जी है, नाराज है ये किसी बात को लेके इस वक्त आपसे, देखते हैं क्या नाराजगी है इनको, ये मैसेज ऐसा क्यों दे रहे हैं आपके पर्सन, क्यों नाराज है। आपने इनको इग्नोर किया है, ये मैसेज वो दे रहे हैं आपको, उन्होंने इग्नोरेंस महसूस की है, उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे एस दिख रहा है बनता हुआ, एस और वाई, ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी जो लव स्टोरी है उसमें ठहराव आ चुका है,
कहीं से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना आप उनकी तरफ एक्शन ले रहे हो ना ही वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। बार बार मुझे ना प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो प्रोटेक्टेड तो आप हैं ऑलरेडी, आपने कोई प्रोटेक्शन ले रखा है ऐसा भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। स्कॉर्पियो और कैंसर यहाँ पे उनकी भी एनर्जी है, टॉरस कैप्रिकॉर्न वीरगो वालों की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। फायर साइन में लियो की राशि है, यहाँ पे अगेन वाई बन रहा है, बार बार वाई बन रहा है। बहुत से लोग आप दोनों की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से ये ठहराव आया है, ये बाहर की लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में गैप आ रहा है। हालांकि आपका भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कि उनसे बात करनी है, आपको बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए ऐसा, आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जी नहीं है। आप भी फ्लो के साथ चल रहे हो, कंफर्टेबल हो, फील कर रहे हो, अगर वो बात नहीं भी कर रहे हैं आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, और आपके पर्सन भी आपको वही दिखा रहे हैं। आर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आर और यू, नंबर एट की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अभी किसी ने सवाल किया है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कब बात करेंगे, तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ आपको इस वीडियो पे। आपको करना है लाइक फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, लाइक करना बहुत जरूरी होता है मेरी वीडियो को। जिसने भी ये सवाल पूछा है कि वो आपसे कब बात करेंगे, वन डे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में, वन डे और वन वीक वो आपसे बात करेंगे। म्यूजिक यहाँ पे किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको आपके पार्टनर को, ऐसा एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इससे आपको ये पता चलता है, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ साइन, तो इससे आप समझ सकते हैं ना ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हो रही है, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट वो क्या सोच रहे हैं, हर तरह की डिटेल इस वीडियो पे मिल जाएगी आपको। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करे, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो कि उनको आपको मैसेज और कॉल करना चाहिए, किसी तरह का ऐसा हिंट तो दिखाएं कि आपको भी महसूस हो कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आज आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, इसको लेके आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक मैसेज तो आया ही कि आपने उनको इग्नोर किया है, ऐसा वो महसूस करते हैं, इसके अलावा और क्या रीजन है। थर्ड पार्टी इश्यूज है आप दोनों के बीच में, उनकी फैमिली और आपकी फैमिली बीच में है, ये एक रीजन है। काम पे बिजी हैं ये, ऑफिस में मुझे बिजी लग रहे हैं, मुझे लैपटॉप लेके बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी सीट से ये पर्सन हिल नहीं पा रहे हैं, इतना वर्कलोड इनके ऊपर अभी इन दिनों मुझे दिखाई देता है, जिस वजह से आपको ये ऑनलाइन भी कम आते जाते दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टॉक भी कम कर रहे हैं, इन दिनों आपको स्टॉक नहीं कर रहे, बहुत कम, रेयरली ही देखते हैं आके आपको, ऑनलाइन चेक करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे। इस पर्सन का एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। नंबर थ्री भी दिख रहा है, देखते हैं एक्शन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की एनर्जी क्या आ रही है, क्योंकि अभी तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्लो हैं, तुम बात करो इस तरह का मुझे बैटल नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में कि पहले बात करेगा कौन। देखते हैं एक्शन में क्या आ रहा है, बात तो ये करेंगे आपसे, धीरे धीरे मन बनाएंगे, कोशिश तो करते हैं कि आपको मैसेज कर लें, लेकिन ईगो बीच में आ जाने की वजह से ये हट जाते हैं, इनको ये महसूस भी होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। आई, किसी का नाम आई से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ओ आपका या आपके पार्टनर का। देखिए आज की रीडिंग में कुछ ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा मैसेज वो नहीं देना चाह रहे हैं आपको, वो नहीं पता लगने देना चाहते हैं, क्योंकि अभी कैंडल को भी जो देखा कि कैंडल अचानक से बुझ गई थी, जिससे ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन चाहते नहीं कि आप इनकी दिल की बात जाने, ये आपसे छुपा रहे हैं। प्रडिक्टेबल तो अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं कि आप समझा पाए, लेकिन कैंडल की फ्लेम आपको बता देंगे कि हाँ ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से प्यार तो करता है, इनकी जो सच्ची भावनाएं हैं वो यही है। एक्शन धीरे धीरे यही लेके, यही आपको कॉल करेंगे, यही आपको मैसेज करेंगे, यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहे हैं।
आप दोनों तो दिखाते हैं ऐसे है कि जैसे कि एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। एक डर मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे जैसे देखिए ये ड्रैगन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे। तो ये चीजें मुझे जो साइन दे रही है आपके पर्सन की तरफ से भी है। आपके पर्सन डरते हैं किसी चीज को लेके, ये क्या वजह है, क्यों डर रहे हैं ये, आज देखते हैं इनको किस बात का डर लग रहा है। वाई और आई ये अल्फाबेट बार बार बन रहे हैं गाइस आज के रीडिंग में। आज की जो एनर्जी में दिखा है वो डर तो नजर आया है इनकी तरफ से। डर है एक रीजन, आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे कि इनको भी फर्क नहीं पड़ता है। नंबर थ्री अगेन यहाँ पे बना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज कैंडल देख रहे हैं काफी स्लो पिघल रही है, काफी स्लो। तो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये पर्सन अभी इस वक्त कॉल्ड बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं। और नाराजगी है क्योंकि नाराज है अभी। या आप इनसे कांटेक्ट भी करें ना अभी, तो ये अपने दिल की बात आपको बताएंगे नहीं। आज इन्होंने चुप्पी साध ली है। जैसे कभी कभी होता है कि अपने दिल की बात ये खुल के बोलते हैं, आज की एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की कि आपको अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये पर्सन के दिल में आज है क्या, और ये चाहते नहीं कि आप ये बात जाने। जीरो नजर आ रहा है, नंबर नाइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम वी से भी हो सकता है, ये भी मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखिए अभी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा मैं बोलूं कि ब्लॉक कर रखे हैं अपने हार्ट चक्र को। हार्ट को इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, तो अभी ये मैसेज ज्यादा दे नहीं रहे हैं कैंडल वैक्स से आज। तो इनका जो चैनल मैसेज है अब मैं आपको वो देने वाली हूँ, देखते हैं कुछ बता दे तो। अदरवाइज तो ये आज डिनाई कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। मुझे तुमसे नाराजगी है, वो इसलिए क्योंकि तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है। तुमको मैंने कुछ दिन भाव का दिया, तुमको ऐसा लगने लगा कि जैसे कि तुम ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो मेरा भी आज मन नहीं कर रहा है कि मैं तुमसे बात करूँ। तुम्हारा बिहेवियर काफी रूड हो गया है, काफी इमेच्योर बिहेव कर रही हो। मैं बोलता कुछ हूँ, तुमको सुनाई कुछ और देता है। अंडरस्टैंडिंग मुझे इन दिनों नजर नहीं आ रही है। तो तुमसे जितनी बार भी मैंने बात की है मुझे हर्ट होता है। इस वजह से आज मैं तुमको ना तो कुछ बोलना चाहता हूँ, ना सफाई देना चाहता हूँ, ना ही बात करना चाहता हूँ। मेरा मन आज तुम्हारे साथ बात करने का नहीं हो रहा है, मुझे हर्ट फील हो रहा है। इस वक्त मैं काफी पेन में हूँ, तकलीफ हो रही है कि तुम मुझे समझ नहीं पाती हो, तुम मुझे इग्नोर करती हो, तो मेरा दिल दुखाती हो। मैं जितना तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ उतना ही तुम मुझे इग्नोर करती हो, जिस वजह से आज मुझे ना तो कुछ कहना है ना ही कुछ सुनना है। गाइज ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, आप देख लो। आपने लगता है अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया। चलिए मैं अब टैरो से देख लेती हूँ, ज्यादा मैसेज तो आ नहीं रहे हैं। तो चैनल मैसेज मैंने आपको दे दिया है, और मुझे ना यहाँ पे स्वास्तिक नजर आ रहा है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो या स्वास्तिक बना रहे हो, तो ये सब चीजें मुझे इंडिकेट कर रही हैं। या घर में कोई पूजा चल रही है आपके या फिर उनके घर में, तो ये भी यहाँ पे मैसेज तो मुझे आ रहा है। ठीक
ठीक है, इसके ऑपोजिट हम कार्ड से भी देख लेते हैं। मैंने पास्ट के लिए कार्ड निकाला था आपके लिए, पास्ट, प्रेजेंट और यह है फ्यूचर। ठीक है, ये कार्ड्स निकाले थे और ये उनकी करंट फीलिंग के लिए कार्ड्स थे। करंट फीलिंग मैंने बोला ना, ये पर्सन आज अपने अंदर ही फोकस्ड है, देखे, इसलिए मैंने पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करी, बाद में कार्ड्स रिवील किए हैं। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, नोरिशमेंट का कार्ड आ रहा है। पास्ट में द पाथ, इस पर्सन को आपके साथ क्या रिश्ता है ये सच्चाई पता चल चुकी है। आप दोनों इस रिश्ते में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके पार्टनर को पता चल चुका है। और कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस भी उनकी लाइफ में है, कर्मा से जुड़ी हुई बातें ये पास्ट में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं क्या ऐसे कर्म किए हैं कि उनकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में आए और ये रिलेशन भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आखिर ऐसा है क्यों, उस चीज़ का राज का पता लगाने की ये अक्सर पास्ट में कोशिश कर चुके हैं और इनको पास्ट में पता चल भी चुका है। इसीलिए एट प्रेजेंट यहाँ पे कार्ड जो आ रहा है ना, नोरिशमेंट का, ये कार्ड दिखा रहा है कि एट प्रेजेंट वो इस रिलेशन में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रहना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का कन्फ्यूजन है, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनको रहना तो आपके साथ ही है, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ है, इस चीज़ का उनको एहसास है। आप ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट अब ब्रेकअप करने के मूड में है, बट एक दो टाइम, एक दो दिन का ही वक्त, देखो कई बार लग जाता है लोगों को कि अपने कुछ बोल देते हैं तो नाराज़गी, गुस्सा भी जायज़ बात है रिलेशन में अगर आप हैं तो, आज वही नाराज़गी उनको दिखती है, लेकिन ये परमानेंट नाराज़गी नहीं है। फ्यूचर में ये आप दोनों जो मेंटल पीस ढूंढ रहे हो ना, आप काफ़ी टाइम से आपको पीस चाहिए, इस रिश्ते में भी आपको पीस चाहिए जो आपको मिल नहीं रही है, तो वो भी अगर मैं बात करूँ, हाँ फ्यूचर में आप दोनों मुझे पीस में दिखाई देते हैं। काफ़ी आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिश्ते में, आगे तो आप बने रहेंगे। कभी भी अगर आप सोचते हैं कि मैं ब्रेकअप कर दूं या डिवोर्स दे दूं, इस तरह के चांस आपके यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप एनर्जी भी मत लगाइए। करंट फीलिंग में कार्ड्स देखिए, यहाँ पे रेजिलियंस का कार्ड है, विजडम और फोकस, ऑलरेडी इनको विजडम है, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आगे बढ़े। राहु की दशा भी चल रही है, आपके साथ ही ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, आपकी राहु दशा चल रही है या आपके पार्टनर की राहु दशा चल रही है, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज होना इसी वजह से है, क्योंकि ये सब चीज़ें राहु करवा रहा है आपसे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। और कन्फ्यूजन आज है, जैसे कि एक दूसरे को ना शक कर रहे हो आज की एनर्जी में, जो दिख रहा है कि आपके पर्सन को भी लगता है कि आप कुछ बातें छुपा तो नहीं रहे हैं, उनको भी वहम हो रहा है आज के दिन आपको लेके, और इसलिए वो आज आपसे नाराज़ है। उनको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया है, आपने भी बहुत कुछ उनको सुना दिया है, तो इस चीज़ से वो हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, जैसे कि बोझ के तले में, बोझ में डूबे हुए हैं। उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई तो ये रिश्ता चाहिए, इसकी तो क्लैरिटी है, लेकिन वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसे वो चाहते हैं। इसका बोझ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख रहा है, और अभी तो वो चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, हीलिंग में है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा हो उनका, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी हॉर्ट्स अभी एट प्रेजेंट में उनको हो रहे हैं उनसे वो बाहर आ सके, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी, लो वाइब्स आज उनकी नज़र आ रही हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, किसी से बात करने का मन नहीं, ऐसा नहीं कि वे सिर्फ आपके साथ कर रहे हैं, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं और हॉर्ट्स यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि ये आज की एनर्जी देख रहे हैं तो आज की है। फ्यूचर में तो ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कॉन्टैक्ट तो मैंने आपको बताई है कि एक हफ्ता या एक दिन में ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नंबर 3 और नंबर 4 की भी यहाँ पे एनर्जी है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब मैं आपके लिए डाइस से मैसेज ले लेती हूँ, डाइस हमको क्या जवाब दे रही है। ठीक है, यहाँ पे डाइस है, दिसंबर में कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस होता है। यहाँ पे कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब में है ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, आप या आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो, तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रून से भी अगर मैं बात करूं, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, देखिए
विजडम, क्योंकि पहले देखे कार्ड्स में भी विजडम कार्ड आया था, यहाँ पे भी एक मैसेज आ रहा है, इससे हमको विजडम सक्सेस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये भी मुझे दिखा रहा है कि जस्टिस ऑनर की एनर्जी है। जस्टिस तो देखो खास करके आपको ही चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपके साथ न्याय हो, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात को माना जाए, ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ में तो हैं, पावर में रहना चाहते हैं, करेज है, फोकस, ये फोकस भी दिखाता है हमको। ओरेकल कार्ड्स में भी फोकस का कार्ड आया था ना एट प्रेजेंट उनकी फीलिंग्स में, तो यहाँ पे जो रूनस आई हैं इसका मतलब भी, और उसका भी मतलब यही है, कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं वो। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, बट कुछ दिन के लिए वो स्पेस तो चाहते हैं आपसे, इस वजह से भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये एक रूम्स यहाँ पे और भी नज़र आ रही है, हार्डशिप्स और डिले दिखा रही है, क्योंकि आज की एनर्जी आपने देखा ही है स्लो है। अगर आज आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आपको कल तक का इंतज़ार करना चाहिए, ये एनर्जी थोड़ी सी क्लीन होने दीजिए। आपके पर्सन स्पेक्स पहनते हैं या फिर आपको गोगल्स पसंद है, ये तो एनर्जी यहाँ पे है। और नेचर से जुड़े रहना बहुत पसंद है, यहाँ पे मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं। आपकी जो भी समस्या है इस वक्त, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है, इन सब रूल्स को, चांस को देख के, तो मैं ये बोल दे सकती हूँ कि आपको इस चीज़ का भी सलूशन मिल जाएगा। आपको लेट हो रहा है क्योंकि अभी एनर्जी थोड़ी सी राहु की दशा जो मैंने बोला है उसका भी असर आपके ऊपर भी है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। दिसंबर आपके लिए मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, और गुस्सा एग्रेशन से थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि हो सकता है आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप सारा गुस्सा अपने पार्टनर के ऊपर निकाल देते हैं नजायजी, क्योंकि इन दिनों हुआ है ऐसा, आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आज हर्ट है और आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं, क्योंकि आपने गुस्से में कुछ ऐसा उनको बोल दिया है जो कि आपको बोलना नहीं चाहिए था। तो और स्लो की एनर्जी तो डेफिनेटली है ही, टॉरस कैप्रिकॉर्न वीरगो का भी मैंने साइन बताया था आपको, तो थोड़ा सा आज के दिन आपको इंतजार करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होने दीजिए, फिर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। और आपको हो सकता है कि उन्होंने कोई पेंडेंट गिफ्ट दे रखा है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई पेंडेंट आपको गिफ्ट मिला है, या फिर ये आपको रोज़ गिफ्ट में देते हों, ये सब चीज़ें भी मुझे नजर आ रही हैं। ये रोज़ आपको पसंद है इसलिए इन्होंने कभी आपको बुके ला के दिया हो, तो ये मैसेज मुझे आपके नजर आ रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए ही आज की ये रीडिंग है जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। गिटार बहुत पसंद है आपके पार्टनर को, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में, आज की जो रीडिंग है वो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी हो रही है। ओवरऑल एनर्जी तो बहुत है, बट मूड स्विंग है आज, आज ना मूड खराब है आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से वो आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए यही है, इस तरह की रीडिंग आपको पसंद है तो आपको देने हैं ढेर सारे लाइक, बिना मेरे बोले लाइक दीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका अपना चैनल है, ताकि और भी आपको वीडियो देखने को मिले। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।